हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बेहतरीन केमिकल कंपनी के बारे में जो कि स्पेशली एडिटिव्स जो है बनाती है, फूड्स के लिए बनाती है, प्लास्टिक के लिए, पेंट्स के लिए। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव चल रहे हैं और आज भी इस कंपनी में है गिरावट जो है अच्छी खासी आई है। तो इस कंपनी में क्या करना है, हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, वो हम वीडियो के एंड में चार्ट पर देखेंगे। उससे पहले जानते हैं इसके फंडामेंटल्स और इस कंपनी का जो है बिजनेस और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,352 करोड़ का है। करंट प्राइस जो चल रहा है 1,420 रुपए का। 52 वीक हाई बनाया है 1,457 का और 52 वीक लो देखिए आप 735 रुपए का। डिविडेंड यील्ड जो है 0.49% का है। फेस वैल्यू 5 की कंपनी है, ये भी अच्छा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, 0.13 का है और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत शानदार है, 75% की है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। रिजर्व देखिए कंपनी के पास बढ़ चुका है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 393 करोड़ का शो हो रहा है और उसके कंपेयर में अगर डेप्ट देखें तो सिर्फ 53 करोड़ का ही है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कंपनी में। अब देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अगर देखें तो सितंबर क्वार्टर से 261 करोड़ से 260 करोड़ सेल्स में थोड़ा सा गिरावट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी गिरावट आई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट आई है। नेट प्रॉफिट देखें तो 32 करोड़ से 34 करोड़ का हुआ, नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा ही जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। यानी कि देखिए क्वार्टर वाइज इस कंपनी का जो है थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, तो हो सकता है इस कंपनी में जो है गिरावट आ सकती है अगर क्वार्टरली नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है थोड़ा सा खराब आ गया। और एक कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें अगर गिरावट होगी तो इस कंपनी में अगर उस टाइम पर अगर आप पोजीशन बनाते हो तो ये कंपनी आपको 4 से 5 सालों में ही इतना जबरदस्त रिटर्न बना के देगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि केमिकल कंपनी जो होती है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है बना के देती है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर अगर देखें हम तो देखिए 29 करोड़ से 34 करोड़ क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक टू बैक क्वार्टर देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन इसका ईयर वाइज एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इसका। देखें तो सेल्स देखिए मार्च 2017 में 777 करोड़ था, फिर 852 करोड़ का हुआ, 1031 करोड़ का हुआ। लेकिन यह क्या हो रहा है, इसमें ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर 147 करोड़, 164 करोड़, 220 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए 80 करोड़, 101 करोड़, 138 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी आने वाले टाइम में भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस देने का पोटेंशियल रखती है। बस ये है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन ईयर वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर बाय चांस अगर खराब आ जाता है और इस कंपनी में गिरावट आती है तो वो टाइम जो रहेगा बेस्ट टाइम रहेगा एंट्री करने के लिए। बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व बढ़ चुका है 436 करोड़ का और टोटल एसेट से 659 करोड़ की। कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। और कंपनी का जो नाम है वो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल सेक्टर से जो है बिलोंग करती है। कंपनी का बिजनेस मैं आपको बता देता हूँ, स्पेशलिटी एडिटिव्स बनाती है, किनके लिए, फूड्स के लिए, प्लास्टिक्स, रबर, पेंट्स, इंक्स, कॉस्मेटिक, कोटिंग, टेक्सटाइल ऑक्सिलरीज, लूब्स एंड सेवरल अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ग्रो बहुत ही अच्छा करने वाली है और अभी तक इसने कितना रिटर्न बना के दिया है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए ईयर टिल डेट तक भी, अभी तक मतलब जितना टाइम हो चुका है वहाँ तक भी इस कंपनी ने 15.60% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। उसके अलावा इस कंपनी का देखें तो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, यानी कि साफ साफ जो है नज़र आ रहा है कि वैल्यूएशन जो है अभी एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो है इस कंपनी में गिरावट की उम्मीद है। और आज जो है इस कंपनी में गिरावट हुई है 2.87% की। करंट प्राइस जो चल रहा है 1,365 रुपये का चल रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो न्यू म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा कर रखा है और 12 FIs का पैसा लगा हुआ है और प्रमोटर की होल्डिंग तो 75% है। FIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, अदर DIs ने होल्डिंग बढ़ाई है, नॉन इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग घटाई है और प्रमोटर की होल्डिंग में
कोई भी चेंज नहीं है। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल कंपनी का अच्छा है। इस कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो पैसा डूबने वाला नहीं है, बल्कि जो क्या होगा इस कंपनी में पैसा और ज्यादा रेट से हमारा बढ़ेगा। अब देखते हैं चार्ट पर इसके लेवल, चार्ट पर अगर चले तो लेवल्स देखिए आप, इसका ये रेड कलर की आपको लाइन शो हो रहेगी, ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 का है। तो 10 के मूविंग एवरेज पे देखें तो ये जनवरी महीने में यहाँ पर टच हुआ था इसका एक बार, वहां से इसने वापस अप मूव दिया और इसने फरवरी में वापस जो है टच किया था, फिर वहां से अच्छा अप मूव दिया और 1400 रुपए के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। वहां से जो है इस महीने में मई में जो है इसमें गिरावट वापस जो है चालू हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जो 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ तक ये स्टॉक आना चाहिए गिरते गिरते। हो सकता है अभी 2 या 3 दिन में जो स्टॉक वापस थोड़ा सा अपर मूवमेंट दे दे, लेकिन इस साल में ही आपको एक ऐसा टाइम जरूर मिलेगा जहां पर ये स्टॉक जो है इस लेवल पर आना है। तो हमने जो इसके ऊपर फिबोनाची ड्रॉ किया है, फिबोनाची ड्रॉ करने से हमें क्या फायदा हो रहा है कि हमें इसके लेवल्स पता चल रहे। एक 1299 रुपए का लेवल है तो 1300 रुपए का मान लिया है। तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी मनी को सपोज 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10,000 रुपए जो है 1300 रुपए पर इन्वेस्ट करना है और 10,000 रुपए 1179 के लेवल पर इन्वेस्ट करना है। इसका ये मतलब है कि हमें इस स्टॉक में वेट करना है, गिरावट का वेट करना है, इन लेवल्स का वेट करना है हमके। तो हमें इस तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें जो है इस स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलने का जो है चांस रहेगा। और इस स्टॉक को जो है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं ताकि जो है आप इस स्टॉक पर नज़र रख सके और जब भी इस लेवल पर आए तो इस कंपनी में अपना अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और उससे पहले आप खुद भी जो है इस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लीजिए और वॉच लिस्ट में डाल के रखिए। अभी स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है, स्टॉक में जब ये लेवल्स आए तभी जो है बाइंग करनी है। और कितनी भी अच्छी कंपनी हो उसमें गिरावट जरूर आती है। आप अभी रिलायंस का ही एग्जाम्पल देख लीजिए और अभी निफ्टी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। निफ्टी अभी करेक्ट हो रहा है और अच्छी से अच्छी कंपनी भी आपको रेड में नजर आ रही होगी। तो ये स्टॉक मार्केट का नेचर है, स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाता है फिर लो बनाता है और फिर वापस से एक नया हाई बनाता है, इसी तरीके से स्टॉक भी मूवमेंट देते हैं। तो फाइन ऑर्गेनिक भी इन लेवल पर हमें ज़रूर मिलेगा, तब तक आप जो है इस स्टॉक में बाइंग करने का जो है वेट करिए, आप डाल दीजिए। और ज़ेरोधा में तो अगर आपका अकाउंट है तो ज़ेरोधा ने आज सेंटियल जो फीचर्स है इसका वो फ्री कर दिया है, वहाँ पर आप अलर्ट लगा सकते हैं और अलर्ट लगाने के बाद जब भी स्टॉक इन लेवल्स पर आएगा ज़ेरोधा की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे 1300 पर बाय करना है तो आप 1305 का लगा कर रखिए, तो आपको जो है थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है 1-2 मिनट का, तो वो टाइम पर आपके मोबाइल पर जैसे ही 1305 पर आएगा उसके जस्ट 1 या 2 मिनट में आपको जब भी मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल आ चुका है इस स्टॉक का, और उस टाइम पर जो है आप एंट्री कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अच्छा रिटर्न बना पाओगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस स्टॉक में जो है वेट करिए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।